हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेश नागर, यू आर वॉचिंग इंग्लिश फ्रॉम होम। यकीन है, विश्वास भी है कि आपने हैव, हैज एंड हैड का यूज बेटर तरीके से समझा होगा। आगे जानने की कोशिश करी होगी, कुछ सेंटेंसेस भी बनाए हो गए, और जो जिस तरह की ट्रिक्स मैंने आपको सजेस्ट की थी, आई होप कि आपने वो यूज़ करी होगी। अगर नहीं करी है तो करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। देर आए दुरुस्त आए, या फिर हम कह सकते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। हम शाम का भूला अगर सुबह घर आएगा तो डेफिनेटली भूला ही कहेंगे, क्योंकि रात में कहीं भटक गया होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगेन यही बात बोलूंगा, बार बार यही बात बोलूंगा, प्रैक्टिस करते रहिए तभी आप सीखेंगे। चलिए तो आगे की कथा जारी रखते हैं और आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, और कहते हैं कि किस तरह से हम फ्यूचर में अपनी चीजों को बताना सीखेंगे, यानी कि फ्यूचर टेंस में हम किस तरह से, हमारे पास क्या होगा, क्या होना चाहिए, उसको किस तरह से यूज करेंगे। हमारे पास एक विल होता है और एक शेल होता है, ठीक है। इन दोनों ही के साथ हमें क्या यूज करना है, हैव यूज करना है। यहां पर हैज या हेड वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पर हमें हेड वगैरह यूज नहीं करना है, हमें सिंपल सा जो यूज करना है वो हैव ही यूज करना है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉरी अगर नहीं बताया है तो अभी बता देता हूं, कि शेल जो है वो आई एंड वी के साथ यूज होता है। केवल इन दो प्रोनाउन के अलावा तीसरे किसी भी सब्जेक्ट के साथ ये यूज नहीं होते, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, या किसी के भी साथ हो। हमें यहां पर पोजीशन अगर बताना है तो याद रखना है शेल का यूज होता है, पर वो कैसे होता है, कब होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, अगले वीडियो में उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे। बट यहां पर हमें सिर्फ याद रखना है कि अगर हमें पोजीशन बताना है, अगर हमें ऑनरशिप बताना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि आई और वी के साथ हमें शेल का यूज करना है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू प्रोनाउन यू शुड नॉट, वी कांट यूज शेल विद अदर प्रोनाउंस एज वेल एज नाउंस, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो। यहां सिंगुलर प्लूरल से याद नहीं रखना है, यहां पर याद रखना है आई एंड वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, शेल का यूज करेंगे। दोस्तों बाकी जितने भी बचे हैं उनके साथ हम विल का यूज करेंगे, चाहे ही हो, शी हो, बॉय हो, गर्ल हो, कार हो, मोटर हो, बाइक हो, फैन हो, बफेलो हो, व्हाटएवर, उन सब के साथ हम यूज करेंगे विल का। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला सेम है, आप समझ ही गए होंगे कि क्या फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं, क्योंकि विल, हैव, शैल, हैव उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से हैज, हैव और हैड ने काम किया है। करना यह है कि जिस सेंटेंस में आपने हैज, हैव का यूज किया है या हेड का यूज किया है, उसको उठा लो और उसकी जगह क्या रख दो, रिप्लेस कर दो उसको शैल हैव या विल हैव से, मीनिंग जो है वो फ्यूचर में चला जाएगा। जैसे मैंने कहा आई विल, तो विल तो आना ही नहीं चाहिए, क्या आएगा, आई शैल हैव, क्या आएगा, आई शैल हैव ए बिग कार, मीनिंग होगा मेरे पास एक बड़ी सी कार होगी या बड़ी कार होगी, होगी इन फ्यूचर, इट्स माय ड्रीम, ठीक है। आई शैल हैव ए बिग कार, अगर शैल हैव को आप रिप्लेस कर देंगे सिर्फ हैव से आई हैव ए बिग कार, तो अभी की बात हो जाएगी, प्रेजेंट की बात हो जाएगी। अगर इन दोनों को हटाकर हम हेड यूज कर देंगे तो ये कहां चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। तो सिर्फ सिंपल सी ट्रिक है कि किस तरह से आपको छोटी सी बात याद रखना है, छोटा सा चेंज, छोटा सा एडिट, छोटा सा मॉडिफिकेशन आपको याद रखना है, और आपका जो टेंस है, टाइम है, वो बदल जाएगा। टेंस मींस काल होता है, यानी कि टाइम से रिलेटेड बात होती है। तो यहां पर सिर्फ आपको करना इतना ही है कि या तो शैल हैव यूज करो, या तो सिर्फ हैव यूज करो, या तो हेड यूज कर दो, देन डेफिनेटली आपका टेंस चेंज हो जाएगा। इसमें मिस्टेक होने के कोई चांस ही नहीं बचते, ठीक है, सिंपल है। आगे किसी भी अदर सब्जेक्ट को ले लेते हैं, जैसे कि ही, तो इसके साथ हम लगाएंगे फ्रेंड्स विल, ही विल हैव ए हाउस। अब भैया रोटी कपड़ा मकान ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कार, हाउस और इनकी चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी भी आप चीजों को ले सकते हैं। ही विल हैव ए कार, उसके पास एक हाउस होगा, सॉरी कार नहीं, हाउस, ही विल हैव ए हाउस, इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में घर होगा, ठीक है। तो विल हैव का यूज करेंगे आप किसी भी अदर सब्जेक्ट को लेकर, तो शुरू हो जाइए, इंतजार किस बात का है, 500 सेंटेंस आप बना सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन फॉर्म एंड यू कैन यूज। एंड ट्रिक याद रखिए, रिपीटेशन करने से टंग को हैबिट हो जाएगी इंग्लिश बोलने की, आपका हेजिटेशन दूर हो जाएगा,
अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके अगर आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो ये दो चीज़ें करना बिल्कुल मत भूलिए। पहली क्या बताइए दोस्तों, पहली चीज़ ये है कि कई सारे सेंटेंस बना लीजिए और उनको फ्लुएंसी में बोलने की कोशिश करिए, ठीक है। जिसको प्रैक्टिस ही बोलेंगे हम, इससे आपकी टंग हैबिचुअल होगी, आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आपका नेचुरलनेस जो है वो इंग्लिश बोलने का, ठीक है, वो आपके अंदर आएगा। यानी कि आप नेचुरल हो जाएंगे जब आप इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी अगर आप नेचुरल नहीं हैं, स्वाभाविक तौर पर ये बात होती है, नेचुरली ये बात है किसी भी इंसान के अंदर कि ऑल ऑफ सडन वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। बट धीरे 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 करके चेंजेस लाए जा सकते हैं। फिनिशिंग एक साथ नहीं आएगी, सबसे पहले घर बनता है तो रफ वॉल्स होती है, दीवारें होती है, उसके बाद उनके ऊपर प्लास्टर किया जाता है, उसके बाद उनके ऊपर पुट्टी की जाती है और फिर पेंट किया जाता है बहुत घिसाई के बाद। तो डेफिनेटली एक स्मूथ वॉल को बनाने के लिए बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। उसी तरह से हमारे माइंड को स्मूथ बनाने के लिए, ब्रिलियंट और जीनियस बनाने के लिए वी हैव टू मेक सम प्रैक्टिसेस, और प्रैक्टिस सही तरीके की होना चाहिए, सही वे में होना चाहिए। अननेसेसरी हार्ड वर्क करने से कोई मतलब नहीं है। डीमोटिवेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आएगा जब आप नहीं सीख पाएंगे तब। एक लॉन्ग प्रोसेस को यूज ना करते हुए एक ऐसी शॉर्ट और स्मार्ट प्रोसेस का यूज करिए जो कि आपको रियली में हेल्प करे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, यानी कि जो भी प्रूफ आपके सामने है, जो भी चीज आपके सामने है, उसको देखने के बाद, उसको समझने के बाद आपको किसी नेक्स्ट या किसी भी प्रूफ को देने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जस्ट आपने इतने दिन बिताए हैं, तरह तरह की प्रैक्टिसेस आपने की है इंग्लिश को सीखने के लिए, कई सारी एफर्ट्स आपने लगाए हैं, जस्ट सिंपल सा एक एफर्ट और लगा दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं जस्ट यूज इट फॉर ए वीक ओनली। 7 days का टाइम कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, और वो भी 5 मिनट का गेम है, 5 मिनट का गेम है। 2-3 मिनट में आप लिख लीजिए 10-15 sentences और अगले 2 मिनट में उनको बोल डालिए, और यही 5 मिनट में आप उनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आप उनको सुन लीजिए जब भी आपका मूड करे, जब भी आप फ्री बैठे हो, जब भी आपका माइंड काम है, एकदम शांत है, तब आप उनको सुन लीजिए और उनको एनालाइज करिए कि क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिपीट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों को आप फोकस में रखिए, एक एक मिस्टेक्स को रिमूव करने की कोशिश करिए, एक साथ सारी मिस्टेक्स को रिमूव करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि काम जो होता है उसको या प्रॉब्लम्स जो होती है उनको एक साथ नहीं लड़ा जा सकता, एक एक करके आपको लड़ा जा सकता है। अगर एक आर्मी मैन अगर पूरी आर्मी को हराना है तो उसको एक एक करके उनसे फाइट करके हरा सकता है, एक साथ अगर सबसे लड़ने जाएगा तो डेफिनेटली मारा जाएगा, शहीद हो जाएगा अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, वो जीत नहीं दिला सकता अपने देश को, ठीक है दोस्तों। तो होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। ज़्यादा लंबे वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता, क्योंकि क्वालिटीड वीडियोस अगर आपको मिलते रहेंगे, क्वालिटीड चीज़ें आप सीखते रहेंगे और आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। आगे कंटिन्यू आप वीडियोस पर नज़र रखिए कि जब भी नोटिफिकेशन आए आप वीडियोस को देखिए। एक के बाद एक ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ जो कि आपने कभी किसी तरह से नहीं सीखी होगी, एंड डेफिनेटली वो फैंटास्टिक चीज़ें, इनक्रेडिबल थिंग्स आपको हेल्प करेगी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। याद रखिए केवल एक चीज़, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, मेक योर ईच डे मास्टरपीस। अपना हर एक दिन को मास्टरपीस बनाते रहिए, सर्वश्रेष्ठ बनाते रहिए। दूसरी चीज, जो तीसरी चीज बची है, ठीक है, वो ये है कि इफ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, जस्ट स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर वाकई में आप इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए। ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए अपने अपने पास, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। डेफिनेटली ये 3 बातें आपको बहुत हेल्प करने वाली है, और यही दुनिया है और ऐसे ही चलती रहेगी। होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।